हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि केटीवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है, ये प्लांट है मेरा मैक्सिकन पिटूनिया, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, इस पर बर्ड बनी हुई है, तो समर का बेस्ट प्लांट है और बहुत सारी बर्ड बनी हुई है इसमें। बंचस में फ्लावर आते हैं और रोज़ ही फ्लावर आते हैं, बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्लावर शाम तक झड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट की केयर टिप्स किसी को जाननी हो तो कमेंट करना, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना दूंगी अलग से। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों की हेल्प से भी आप गार्डनिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखा देती हूँ, वाटरिंग जो है वो सब बेटा ही कर रहा है। तो वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने बेटे की मेहनत आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने ग्वार की फली लगाई थी, काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है ये। और ये मेरे हैं बहुत अच्छे प्लांट, बिन बुलाए प्लांट, और मार्केट में मैंने लेने जाऊँगी तो बहुत ही महंगे मिलेंगे। और बस आराम से ग्रो हो गए हैं, खजूर के प्लांट है ये। तो खजूर का प्लांट भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, हमने घिया वगैरह की बेल लगा रखी है, ये देखिए, और ये भी आराम से चल रही है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे बेटे की मेहनत मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, अगर आप सबको याद हो तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, तो लिंक आप ज़रूर देख लेना। तो ये लिंक को ज़रूर चेक कर लेना, एक बार जाकर लिंक को ओपन करके देखोगे तो आपको ये बकेट दिख जाएगा। मैंने इसमें बनाया है अपना लीफ कंपोस्ट। तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ये ऊपर तक फिल हो गया था बिल्कुल, ठीक है। तो वाटरिंग हमने इसमें हमेशा की है, नमी बनाकर रखनी है। तो अब देखिए, ये लगभग 3 महीने के लिए मेरा बकेट वेस्ट हो गया है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही कोई भी खाद या कंपोस्ट बनकर रेडी होता है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, चाहे वो घर का कंपोस्ट हो, ठीक है। तो 3 महीने के लिए मैं इसको ऐसे सेड एरिया में नहीं रखने वाली हूँ, इसका रीयूज़ करूँगी। मेरे बेटे ने पहले ही कर दिया है। तो देखिए मेरे बच्चे ने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये देखिए खरबूजा जिसे बोलते हैं ना, ये उसके सीड हैं। उसने क्या किया, मैंने उसको बोला जाओ कंपोस्ट में डाल दो, तो उसने जो इसके पार्ट थे, लिप्स वगैरह थी या उसका बाहर का जो आउटर पार्ट था, वो उसने कंपोस्ट में डाल दिया और इसके सीड जो है वो इसमें डाल दिया। उसने ये सीड क्यों डाले, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं सीड इसमें डालकर देखता हूँ ये ग्रोथ करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप ही अपने बच्चों को इसी तरह छोटे छोटे काम दीजिए, उनको भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट जगाइए, क्योंकि इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको इंटरेस्ट हो गया तो वो भी आने वाले टाइम में हमारी तरह गार्डनिंग ही करेंगी। गार्डनिंग कोई ऐसा शौक नहीं है कि बिल्कुल आपको लाख दो लाख पैसे लगाने हैं फ्री टाइम में। थोड़ा सा गार्डनिंग करो, ऐसा भी नहीं बोलती बड़े लेवल पर करो, 4-5 पौधे रख लो, वो भी हमें प्योरीफाई की तरह, वो भी हमारे लिए बेस्ट है, प्योरीफाई कर देते हैं हवा को। जैसे कि मैं कुछ प्लांट के नाम बताती हूँ, जैसे कि हमारा हो गया मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, और हमारे फाइकस हैं, और हमारे क्रूटोन्स हैं, और एक आधा उसके बीच में फ्लावरिंग प्लांट रख लो जैसे जो ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता, जैसे कि बुगनविलिया हो गया, उस पर एफर्ट वगैरह भी नहीं अटैक करते हैं, और कनेर हो गया, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें सुनिए, ध्यान दीजिए और ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए अपने प्लांट पर। तो देखिए, सभी जगह मेरे सीड जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एडिशनल चीज़ें डालूँगी ताकि ये ग्रोथ पर आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल मिट्टी है और मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है अपना सरसों की फली, नीम की खली, ठीक है। दोनों खली में मिक्स करके रखती हूँ। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है, नीम की खली है तो नीम की खली डाल दीजिए, और नीम की खली नहीं है तो सरसों की खली डाल दीजिए, अगर दोनों है तो दोनों डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए, सीड जो है हमारे ऊपर ही दिख रहे हैं, तो उसको हमें कवर करना है। कवर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। मिट्टी डाल दीजिए, कंपोस्ट डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जिसके पास जो हो वो डाल देना, ठीक है। ये जो मिट्टी मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने रखा है 50% मिट्टी, 40% अपना रिवर सैंड, और 10% गोबर की खाद, और मेरा कंपोस्ट इसमें मिक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब ये सेट हो गया। अब एक टिप मैं और आपको देती हूँ कि जैसे हमने घर के ही सीड इसमें ग्रो कर दिए हैं, बट ये 100% रिज़ल्ट देंगे या नहीं देंगे, इस पर कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, कि मेरा पॉट बर्बाद ना हो, ऐसे ही रखे 3 महीने क्यों रखा रहा है, तो कुछ ग्रो करो। एक तो इसमें बच्चे से इस तरह से डलवाइए कुछ, ताकि वो ग्रो कर सके। जैसे कि घर पर हरी मिर्च हैं, उसमें से सीड निकाल लीजिए, लाल मिर्च है उसमें से सीड निकाल लीजिए, बैंगन आते हैं, टोमेटोस आते हैं घर पर, तो उसी में से आप सीड निकाल कर डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी मेरे पास कुछ सीड रखे हैं, मैं मतलब आप थिंक कीजिए, सोच लीजिए कि ये सीड नहीं ग्रो आते हैं, ठीक है, तो पॉट तो खाली पड़ा रहेगा, क्या फ़ायदा है इसका। तो हम इसमें कुछ और मार्केट वाले सीड बाय करके डाल देते हैं,
फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये वो ग्रो हो गए तो बल्ले बल्ले, और नहीं ग्रो हुए तो साइड में जो हम सीड डालेंगे वो तो ग्रो होने ही है 100%। ठीक है, तो चलिए मैं सीड दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सीड, ककड़ी लिखी हुई है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस टाइप के कुछ भी हाइब्रिड या फिर आप लोकल एरिया में जो भी सीड आपके पास मिलते हों वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ककड़ी के सीड, तो इन्हीं सीड को मैं एक साइड में लगा देती हूँ। ठीक है, एक साइड में इसलिए लगा रहे हैं कि उस तरफ हमारा जो हमने सीड डाले हैं बेटे ने वो ग्रो हो जाएंगे, इस तरफ हमारी ककड़ी ग्रो हो जाएगी। ठीक है, देखो मार्केट वाले सीड तो 100% ग्रो होंगे, इसका इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि वो ग्रो होते ही हैं। मैं इस पैकेट को पहले भी यूज़ करके देख चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक टैग लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने इसमें क्या लगाया है, बट बाकी सबको नहीं पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो या तो जमकर वाटरिंग कर देते हैं या फिर जमकर कुछ और खोदा खादी कर देते हैं, जैसे गुड़ाई वगैरह करनी है तो कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं नहीं आ पाती हूँ तो बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, तो टैग लगा रहता है तो वो बिल्कुल भी छेड़ते नहीं है किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो ऊपर से मैं पतली सी लेयर जो है वो वर्मी कंपोस्ट की बना देती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से हम वर्मी कंपोस्ट की लेयर बना देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम वॉटरिंग कर देंगे। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद का बना लीजिए, या फिर घर का किचन वेस्ट का जो खाद होता है उसका बना लीजिए, या फिर सिंपल मिट्टी का बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने वर्मी कंपोस्ट तो डाल ही दिया है, तो इसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देते हैं इसमें। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कि बता कुछ रही हैं, दिखा कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं, तो मिट्टी भी डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हम मिट्टी डाल देंगे। तो जो हमारी ककड़ी की बेल है वो मैंने पहले भी लगाई थी 1 महीना पहले, वो अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। तो आपको 15 दिन का या 1 महीने का गैप दे देकर सीड को लगाते रहना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉट खरीद के लाइए, आप सिंपल से इस टाइप की बकेट ले लीजिए जो मार्केट में, ये तो बड़ी है तो 50 रुपीज़ की थी, तो एक्चुअली मेरा डस्टबिन था। ठीक है, तो चूहों ने इसका यहाँ का डस्टबिन काट दिया था, तो डस्टबिन में घुस जाते थे, तो इसीलिए मैंने इसको अपने टेरेस पर ले आया था कि चलो हम इसमें अपना कंपोस्टिंग कर लेंगे या अपना कोई प्लांट वगैरह लगा देंगे। तो 20-20 रुपए की या 30-30 रुपए की बड़ी बड़ी बकेट आती है, अब उनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें सब कुछ डाल लिया है, अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे वाटरिंग। और जैसा कि मौसम अभी हो रहा है, आप इसको कहीं भी रख दीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको इसको बिल्कुल सेड़ी एरिया में रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमने वाटरिंग कर दी इस पर अच्छे से, फर्स्ट टाइम वाटरिंग अच्छे से करनी है। आपने शुरुआत में देखा था कि मेरा जो पॉट है वो नीचे तक गीला था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में इसमें वाटरिंग की थी। अभी आफ्टरनून है, आई थिंक 3:30 PM हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन संडे है, संडे के दिन मैं फ्री होती हूँ। आप सबको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि वीडियो सारे जितने भी हैं वो मॉर्निंग में या इवनिंग में शूट करूँ नाइट के टाइम, क्योंकि आफ्टरनून में बच्चे आ जाते हैं तो मैं पूरा टाइम उन्हीं को देती हूँ, आफ्टरनून में बिल्कुल टेरेस पर नहीं आती हूँ। तो इस टाइम आई हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन आप भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कीजिए और बच्चों में गार्डनिंग का शौक ज़रूर जगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइक करने में कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने टेरेस पर आपको सिखाने के लिए, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि 2-4 पॉट रख लीजिए हमारे कहने से, कंपोस्टिंग शुरू कर दीजिए। कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे पिक्चर भेजिए, मैं ज़रूर आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ककड़ी का टैग आपको दिख रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।